मैं पकरपुर गांव का निवासी हूं और एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हूं। अपने माता पिता का नाम और बता दो। श्री रामफल सिंह। पिता का नाम? पिता का नाम और वीरमती देवी माता का। आप जैसे आप कबड्डी के खिलाड़ी हैं, खेल तो बहुत सारे हैं, कुश्ती है, दूसरे भी है, लेकिन आपको कबड्डी का खेल किस प्रकार पसंद आया कि आप कबड्डी के खेल से जुड़े दूसरे खेलों को छोड़ दें? मेरे गांव में बहुत पहले से कबड्डी खेली जाती थी, जब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा। और हमने जब भी देखा तो हमारे गांव में बस कबड्डी ही दिखाई दी, और कबड्डी आज इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई और के सोच भी नहीं सकते। और जो है गांव के जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए उन्होंने देख देख के हमें भी अपने अंदर जोश आता था कि हम भी कबड्डी खेल लें। और हमने कबड्डी खेलना। तो आपके गांव के अच्छे अच्छे खिलाड़ी कौन कौन से रहे, कुछ के नाम बताना चाहोगे? कुछ के तो हमने नाम जाने हैं जिनको हमने कभी खेलता नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमने खेलता भी देखा और नाम चाहिए। जैसे हमारे सतप्रकाश जी हैं, कोच साहब हैं, और तेजपाल जी हैं, मंगल सेन जी थे, कंवरपाल, बीरजपाल और संजीव, मंटू, और बहुत से खिलाड़ी थे, मनोज मांगे, और जो हमारे मतलब सीनियर खिलाड़ी थे सुमेश, और इन सभी को देख के जब ये मैच लगते थे इनको देखते थे तो बड़ा अंदर से ऐसा लगता था कि हम भी फील्ड में उतर जाए। तो इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर के आप कबड्डी के क्षेत्र में आए। जी जी। तो आपने कौन कौन सी उपलब्धियां कबड्डी खेल में प्राप्त की? कबड्डी में मैंने नेशनल में मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल भी, सिल्वर मेडल भी, ब्राउन मेडल भी, और इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आपकी नौकरी किस उसमें लगी थी? 2007 में मेरी नौकरी लगी थी रेलवे। खेल पर क्या शादी का प्रभाव पड़ता है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर अच्छी मेहनत अच्छी डाइट है तो कोई फर्क नहीं। आपके गांव में वो कोई कबड्डी की वो भी है ना? हाँ, मेरे गांव में जो है अभी सुभाष क्लब कबड्डी एकेडमी है, जिसमें पूरा गांव सपोर्ट करता है। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी आज भी प्रैक्टिस भी करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम अपने जूनियर को भी वही सिखाएं जो हमने अपने सीनियरों से सीखा है, और हमारे सीनियर भी आते हैं जो जूनियर बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं, उनको टिप्स देते हैं, यहाँ से ये करना चाहिए, यहाँ से ये होना चाहिए। कबड्डी में वहाँ पे आपकी जो एकेडमी है उसमें कौन कौन कोच है जो अपना योगदान दे रहे हैं? उसमें संजीव है, नीरज है, सतप्रकाश कोच साहब है, सुमेश है, ये सभी अपना योगदान दे रहे हैं, पूरा योगदान। इसमें क्या क्या सुविधा उपलब्ध है आपके यहाँ पे जो कबड्डी की एकेडमी है? सभी रहने सहना, अच्छा, खाना पीना सभी सुविधा है, भी है। हाँ, सभी रहने के लिए हॉस्टल वगैरह। हाँ, क्योंकि हम तो खेल से मतलब रखते हैं अपने, छुट्टी आ जाओ तो। हाँ, छुट्टी आते हैं तो उनके साथ जूनियर प्लेयरों के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, ताकि हमने बड़ों से सीखा है तो छोटे हमसे कुछ सीखे। तो अब आप मतलब खेल को छोड़ चुके हैं, आप सक्रिय है खेल में? नहीं, मैं तो अभी तो ये था सक्रिय ही है, लेकिन मेरे पास टीम ना होने के कारण कुछ दिनों से छुटा हुआ था, लेकिन अब मैं जब भी गांव में आता हूँ तो करता रहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मथुरा में रहता हूँ, मैं अभी पहले मैं पटना में रेलवे में था, वहां से ट्रांसफर हो गया मथुरा आ गया एनसीआर में, एनसीआर में कबड्डी की टीम नहीं। अच्छा। तो इसीलिए ये टीम इवेंट है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता, लेकिन अपनी फिजिकली फिटनेस करता रहता। लेकिन जब भी गांव में आता हूँ, दो दिन की छुट्टी आऊँ, चार दिन की आऊँ या किसी रेस्ट पे भी आऊँ, तो तब भी मैं अभ्यास करता। एक खिलाड़ी की डाइट कैसी होनी चाहिए, जो नए खिलाड़ी है उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, कोई अनुभव हो तो? डाइट तो भाई आजकल ये जो पाउडर वगैरह चल रहे हैं, ये कोई चल रहा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। अच्छा जो है दूध दही बादाम, मतलब ये सबसे अच्छी डाइट है एक खिलाड़ी के लिए, सबसे मेरा मेन तो फल, ये सभी चीज। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा कि अच्छी मेहनत करो और गलत चीजों से गलत रास्ते पे ना जाए, और जो है अच्छी मेहनत करो, मुकाम अपने आप हासिल हो जाए।